बाड़मेर नगर परिषद द्वारा इन दिनों शहर के बड़े नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सोमवार को आयुक्त अशोक शर्मा की देखरेख में कलेक्टर आवास के पास बने नाले की सफाई की गई। सफाई कर्मचारियों के अलग अलग टीमें बनाकर शहर भर के नालों की सफाई की जा रही है। वहीं आयुक्त के अनुसार ये अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। बाड़मेर नगर परिषद द्वारा इन दिनों शहर के बड़े नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सोमवार को आयुक्त अशोक शर्मा की देखरेख में कलेक्टर आवास के पास बने नाले की सफाई की गई। सफाई कर्मचारियों की अलग अलग टीमें बनाकर शहर भर के नालों की सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि कलेक्टर आवास के पिछले कई वर्षों से नाला ब्लॉक होने की समस्या आ रही है। नाला ओवरफ्लो होने से आए दिन यहाँ गंदे पानी के तालाब बन जाते हैं, जिससे वाहन चालकों व पैदल राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब नगर परिषद द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस नाले की सफाई की जा रही है। इस नाले को पिछले तीन दिनों से सफाई कर्मचारियों की टीम साफ कर रही है। वहीं आयुक्त अशोक शर्मा के अनुसार यह विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत अलग अलग टीमों को गठन कर शहर के सभी नालों की सफाई के साथ साथ कई जगहों पर क्षतिग्रस्त नालों को भी सही किया जा रहा है। कार्य पिछले तीन दिन से चल रहा है, उसमें पूर्व में बारिश और ये गिरी पड़ों की रेती के कारण नाला भर गया था, जिससे पानी हमेशा यहाँ ओवरफ्लो होता था। और परिषद के कर्मचारी सफाई कर्मचारियों के प्रयास से तीन दिन मेहनत से ये साफ हो गया, जिसे आप देख रहे हैं। और अब इसका पानी बिल्कुल नीचे चल रहा, पहले इसे ओवरफ्लो होता था। नालों की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों द्वारा जेसीबी मशीन व अन्य सफाई मशीनरों के माध्यम से सफाई की जा रही है। वहीं नालों की सफाई के दौरान कई जगहों पर नालों में बड़े बड़े पत्थर निकले हैं, जिन्हें परिषद के सफाई कर्मचारियों ने तोड़कर बाहर निकाला। आयुक्त के मुताबिक अभियान में सर्वप्रथम बड़े नालों की सफाई करने के बाद फिर छोटे नालों की सफाई की जाएगी।